बिस्वा शर्मा जी का। बिल्कुल निधि, आपने बताया हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद हैं और विकास और समृद्धि किस तरीके से साथ में आती है, संस्कृति और धरोहर के संवर्धन के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, ये हमने देखा है। और अब हम दिखाते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरीके से कार्य किया है, आइए देखते हैं। इनके बयान विपक्ष को जहर बुझे तीर की तरह लगते हैं। बतौर मुख्यमंत्री इनके निर्णय और नीति जनहितकारी होते हैं, पार्टी के जनाधार को मजबूत करते हैं। वहीं कट्टर सोच और आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए काल बनते हैं। अवैध मदरसों पर चलने वाला बुलडोजर हो या असम में कट्टरपंथी गतिविधियों पर सीधा एक्शन, हिमंता बिस्वा शर्मा की पहचान एक मजबूत और लोकप्रिय नेता की पूरे देश में बन रही है। गुवाहाटी से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हिमंता के बयान सुर्खियों में रहते हैं। उत्तर पूर्व में शांति और विकास, असम में सबका साथ सबका विकास वाला मिशन उनकी अगुवाई में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमंता के तीर उनकी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर कुछ अधिक ही गंभीर वार करते हैं। ये तो पूरा की पूरा मजाक है, नाना देश को तोड़ेगा और उनका ही गैंड सिल्डन बोलेगा कि भारत को जोड़ो। अरे भाई कैसे हम जोड़ो है अभी, तुम्हारा नाना ने तो देश को तोड़ के चला गया। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डाविन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हिमंता का हल्ला। और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर शांत और समृद्ध उत्तर पूर्व के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध, पूरी तरह से डेडिकेटेड असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए। बिल्कुल, और उनसे बात करने के लिए ग्रुप के एमडी और एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी मौजूद रहेंगे, धार धार सवाल रहेंगे, बेपाकी से हिमंता बिस्वा शर्मा के जवाब रहेंगे। हिमंता दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सम्मेलन में, धन्यवाद, और रिपब्लिक भारत के इस मंच पर। अर्णब, बहुत बहुत थैंक्स, आपने बुलाया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना देता हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आज कि जब रिपब्लिक भारत हमने शुरू की थी, आज मैं अभी हिमंता दा से कह रहा था कि 1996 में मैं नौकरी ढूंढने आया था दिल्ली में। नौकरी मुझे मिली थी कलकत्ता कॉरेस्पॉन्डेंट की, उस समय के एक टीवी नेटवर्क ने मुझे नौकरी दी थी और कहा था कि आप इस जगह जाके फाइनल इंटरव्यू करिए। और जब मैं उस जगह गया फाइनल इंटरव्यू करने, नौकरी हाथ में थी, तो मुझे बोला गया आप किस चीज़ की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आपके ही इधर कलकत्ता में हिंदी चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट बनूंगा। तो मुझे बोला गया भाई तुम आसाम के हो, तुम हिंदी नहीं बोल सकते। और आज आपके सामने दो आसाम के रहने वाले गुवाहाटी के लोग सामने पूरा प्रयास करेंगे हिंदी में बातचीत करने की। हिमंता, हिंदी खुलकर बोलिए। नहीं, हिंदी जब टूटा फूटा होता है ना, हिंदी को स्वीट लगते हैं, हाँ लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ग्रामर भी भूल हो, जो भी हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि बोल देना सही है हिंदी में, जो होगा हो। आप करिए, लोग आपके साथ है हिमंता, ठीक है ना, समझ पाएंगे ना इनकी बात को। मैं कहता था जब मैंने हिंदी में पहले एंकरिंग की थी, मैंने कहा था हिमंता दा मेरी जबान साफ नहीं है, हिंदी साफ नहीं है, मगर नियत साफ है। यही अप्रोच के साथ आज बातचीत शुरू करते हैं। नहीं, हिंदी बहुत स्वीट लैंग्वेज है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का लोग हिंदी बोलता है तो हिंदी और स्वीट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वीट। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी बात को मानता हूँ। हिमंता दा, पहला सवाल आपसे ये है, हर दिन आप सुर्खियों में रहते हैं या हर दूसरे दिन आप सुर्खियों में रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई आपके खिलाफ बोलते हैं, और ये वाड्रा कांग्रेस के साथ तो आपका पुराना रिश्ता था और लग रहा है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। हर दिन आप पर वो कमेंट करते हैं, आप पर ट्वीट करते हैं, या तो उनका दिन शुरू होता है, खत्म होता है आपके नाम को लेकर। कभी आप ये जो अवैध मदरसे हैं
उन पर आपने बुलडोजर चला ली तो उस पर बातचीत होती है। तो हमने नोटिस किया है कि लोग वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद सुर्खियों से हटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अभी हमको पीसफुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जिस्टेंस चाहिए। हिमंत बिस्व शर्मा पर यह रूल अप्लाई क्यों नहीं होती? हिमंत दादा, आप हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, ये कैसे हो रहा है? नहीं, पहला बात, मैं सुर्खियों को रहने में मैं प्रयास नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं काम करता हूं आपको लगता है कि वो सुर्खियों में होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग मुझको सुर्खियों में लेके आते हैं। मैं सुर्खियों के लिए कुछ नहीं करता हूँ, जो मन में आता है वो बोल देता हूँ बस। तो आप सोचते नहीं है मन में आया तो मगर मैं कहूँ तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, मैं खाली मैं इतना ही देखता हूँ कि मैं कुछ बोलता हूँ जब कांग्रेस वाला लोग ट्रोल करता है तो मैं इतना ही देखता हूँ कि आज ट्रोल उनका 500 हो गया कि 600 हो गया, कितना को कर पाया मोटिवेट, मैं वही कभी कभी देखता हूँ, उसके आगे कुछ नहीं देखता हूँ। आप नहीं देखते? तो मूल मुद्दे पे आ जाए, जो अभी का हॉट मुद्दा है, राष्ट्रीय सर्वोपरि के सम्मेलन में कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी हैं। आप आजकल पिछले 3 हफ्तों से आप हेडलाइंस में हैं कि आपने अवैध मदरसों पे बुलडोजर चला दी, और वो जो विजुअल है कि अवैध मदरसों पे बुलडोजर हिमंत बिस्व शर्मा ने क्यों चलाई? कहा जाता है क्या हिमंत बिस्व शर्मा न्यायपालिका को नहीं मानते? क्या न्यायिक व्यवस्था नहीं है? क्या ये योगी वाला अप्रोच है, मनमानी कर रहे हैं या फिर किसी लॉबी के लिए कर रहे हैं? तो इस पर आप जरा, आज पहली बार आप दिल्ली में आए हैं ये पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, तो जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये अप्रोच क्यों ली, इसकी जरूरत क्या थी? अर्णब जी, 2-3 बात आपको थोड़ा सा आसाम कॉन्टेक्स में देखना पड़ेगा जी। आसाम में हमने अलकायदा का मॉड्यूल हमारा हाथ में पकड़ा गया। जब हमने ये मॉड्यूल का पीछे पड़ा तब हमको ये भी खबर आया कि सेम मद्रासा में दे हैव एस्टैब्लिश देयर नेटवर्क, उनका कार्यालय बना, ऑफिस बना, तमाम सारे गड़बड़ी काम हुआ। किसका कार्यालय बना? ये हुआ जो हमारा एबीटी बोलता है, अंसारुल बांग्ला टीम है, जो बेसिकली ISI का, जो बेसिकली अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक एलाइड ग्रुप है। उसका नाम है अंसारुल बांग्ला टीम जी। और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में एबीटी ही ऑपरेट करता है जी। जब उनका मॉड्यूल हमारा पास आया, पकड़ा गया, हमारा नजर में आया कि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मद्रासा। अभी मद्रासा किसके लिए होता है कि आपको कुरान का शिक्षा देने के लिए मद्रासा होता है जी। जी, मद्रासा तो जिहाद करने के लिए नहीं होता है जी। द मोमेंट ए मद्रासा इज बीइंग यूज्ड फॉर एबीटी और फॉर जिहाद, दैट मींस इट्स लॉस्ट कैरेक्टर ऑफ द मद्रासा, उसका आगे और मद्रासा वो नहीं है। तो हमने उनका पब्लिक को जाके बात किया, देखिए ये तो अभी मद्रासा नहीं है, ये तो अलकायदा का कार्यालय बन चुका है जी। आप इसको रखना चाहते? नहीं साहब, तोड़ देना चाहता हूँ, तोड़िए। किसने कहा आपको तोड़ देना चाहता? पब्लिक ने तोड़ा है। नहीं नहीं, पब्लिक ने नहीं तोड़ा, पब्लिक ने तोड़ा। विजुअल आपके सरकार ने तोड़ा? आप विजुअल देखिए। नहीं, आपके सरकार ने नहीं तोड़ा, हमने थोड़ा मोटिवेट किया सरकार। अब ये बात है, अब ये अप्रोच जो है, अभी अनुपम खेर जी आए हुए हैं इधर, वो भी बहुत मजा ले रहे हैं आपके बात की। ये अप्रोच तो आपकी यूनिक अप्रोच होगी। आप खुलकर मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अवैध मदरसे को तोड़िए, मगर आप इस बात से हिचक नहीं रहे स्वामी जी, आप देख रहे हैं, अरे खुलकर कह रहे हैं। नहीं, इसको जरा आप समझाइए। आप अगर लोगों को देश प्रेमी होने में मदद मोटिवेट करता है, लोग देश प्रेमी बन जाते हैं, उसमें कहां कानून का प्रॉब्लम है? तो हमने लोगों को बोला भाई यहाँ मद्रासा तोड़ो, हम आपको एक स्कूल बना के दूंगा। आपने लोगों को कहा? लोगों को कहा। तो लोगों ने पूछा सचमुच स्कूल बनेगा? हम बोला सचमुच स्कूल बनेगा, लेकिन आप लोग उसको व्यवस्था कीजिए। तो लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मद्रासा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी? आपके कहने तो कौन सा कानून मेरा पास आएगा? बिकॉज इट इज अ वॉलेंटरी एक्ट, मैं तो नहीं किया। ये थोड़ी ऑफलाइन टाइप की अप्रोच हो गई, ये अलग टाइप का अप्रोच है। आसाम में हम लोग जो भी करता हूँ, वी टेक मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी इन फुल कॉन्फिडेंस। आर यू एंटी मुस्लिम?
आर यू, अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो एक धारणा बन रही है, लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा हैज एन एंटी मुस्लिम व्यू, जो एक सेक्युलर देश में ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और ये और इस पर बातचीत हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए, एंटी मुस्लिम कौन है और डेफिनेशन कौन करेगा? अगर ओएसी साहब करेगा तो मैं एंटी मुस्लिम, ठीक है, लेकिन देश पे अगर आप केरला का गवर्नर साहब को बुला के बोलता है हिमंत वो किया है, वो बोलेगा प्रो मुस्लिम। अभी देखना पड़ेगा हु इज डिफाइनिंग यू। मैं बोल रहा हूं कि आप मद्रासा जाने से आप जोनाब बनेगा, मेरा स्कूल में आओ आप दफ्तर बनेगा, तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। आई एम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम। आप जोनाब बना रहा है, मैं डॉक्टर बना रहा हूं। आप मौलवी बना रहे हैं, हम बोला भाई मौलवी आपको अभी बनने का जरूरत नहीं है, मौलवी है भारत में, कम होगा तो जरूर बनिए, बट फिलहाल आप इंजीनियर बनो। अभी असम में कोई सारे लोग मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम लोग डॉक्टर पढ़ते हैं, आप देखिए 5 साल में देयर एंट्री टू मेडिकल कॉलेज हैज गॉन अप रियली वेरी हाई। अभी 1000 सीट है असम में मेडिकल कॉलेज में, 160 एवरी ईयर मुस्लिम स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन ऑन मेरिट। ऑन मेरिट, कोई अपीजमेंट वाला बात नहीं, उनको आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, माहौल तैयार कीजिए कि यू हैव पोटेंशियल टू बिकम समबडी बियॉन्ड मौलवी एंड जुनाब। मैं कोई मौलवी जुनाब काम खराब है नहीं बोलता हूं, बट अगर आपका पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, आप डॉक्टर बनो। अगर आपका पोटेंशियल है मौलवी बनना है, आप मौलवी बनो। लेकिन मैंने मद्रासा का स्टूडेंट का बीच में देखा, बहुत ही मेरिटेरियस बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो इसको आप आगे जाके डॉक्टर बनाइए। अगर मैं और एक मुस्लिम लड़की को जाके बोलता हूँ कि 16 साल में आप शादी मत होइए, 5 साल का बाद बढ़िया से हैंडी कॉलेज कॉटन कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, इसका बाद आप शादी कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? मैं अगर बोलता हूँ भाई आप अच्छा खासा नौजवान है, आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? तो वो तो मैं तो उनका भलाई के लिए बोल रहा हूं। आई एम सीएम ऑफ असम। वो कहेंगे आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, उनकी ये पर्सनल लॉज है, उनके अप्रोच है, आपको क्या माना कहा है? आप मुझको संविधान में बोलिए, कोई बाधा है क्या मुसलमान लोगों को ये बोलने का कि भाई आप एक है 16 साल में शादी मत हुई है, 22 साल में है? मुस्लिम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं हिंदू का तो सीएम नहीं हूं, मैं हिंदू को भी सलाह दूंगा, मुसलमान को भी सलाह दूंगा जी। जब हिंदू को सलाह देता हूं वो आप हेडलाइन नहीं करता है, जब मुसलमान को सलाह देता हूं वो आप हेडलाइन करता है, एंड डी आर बाई गिविंग ए इंप्रेशन दैट वी आर एंटी मुस्लिम, वो तो काम नहीं चलेगा ना। ये अनकन्वेंशनल अप्रोच है हिमंत, और मैं जितने लोग इधर हैं और जितने लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, वो यही कहेंगे कि कई लोग करते हैं, कई लोगों के विचार होते हैं, मगर कई मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो बिना बोले करते हैं, मगर हिमंत बिस्व शर्मा ऐसे हैं कि करते भी है, बोलते भी है और प्रोत्साहन भी देते हैं। नहीं अर्णब, देखिए कुछ कुछ बातें काफी पेनफुल होता है, जैसे हायर सेकेंडरी क्लास 2 पास करने के बाद हम बच्चा को स्कूटी देता हूँ आसाम में, जो भी फर्स्ट डिवीजन गर्ल्स मिलता है 20-22 हजार हम स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लड़की लोग आके स्कूटी लेते हैं। उस समय मेरा दिमाग में आते हैं कि यही उम्र का लड़की हमारा वो फलाना सब डिवीजन में 4 बच्चा का अभी माँ बन चुका है, तो मैं भाषण में बोलता हूँ कि माय हार्ट गोज टू दोज लेडीज, दोज गर्ल्स हु शुड हैव बीन इन कॉलेज बट बियरिंग 5-4 चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 19। तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से समाज कैसे सुधर होगा? कोई मुसलमान ओएसी का प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमान भारतवासी है, और भारतवासी को आस्था रास्ता दिखाना हर भारतवासी को दायित्व और कर्तव्य है। ये आप ओएसी का मॉर्गेज मत कीजिए मुसलमान को, ये गलत अप्रोच है। आपको ओएसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? नहीं मेरा जैसे आप ओएसी कौन है, मैं एक ही दो बार मिला हूं, सोर्स का साथ प्रॉब्लम है। ही थिंक्स that he speaks for Muslim. तो मेरा है ठीक है, मैं भी मुसलमान के लिए बात करता हूँ, कभी वोट वोट करवाइए, कौन अच्छा कौन मुसलमान किसको मानते हैं, आपको तो नहीं मानते, आपका पार्टी तो पूरा देश में नहीं है,
How media thinks that he is a spokesperson of Muslim? How you came to that conclusion? Because वो तो खाली हैदराबाद ही जीतता है. असम का मुसलमान में तो उनका तो कोई नहीं, उनसे मैं ज्यादा वोट पाता हूं. We got more votes. तो how he becomes spokesman? पूछेंगे उनको 5 बजे वो आ रहे हैं प्रोग्राम. किसने बनाया थोड़ा पूछ लीजिए. हर बात में बोलता है. हम लोग तो इलेक्टेड आदमी है, हम लोग को वोट दिया है. एज लॉन्ग एज वी आर इन द सीट वी विल स्पीक फॉर एवरीबॉडी. बट उनको कोई असम में भी घटना होगा, लोग माइक लेके उनका पास जाते हैं. अरे आपके पास क्यों जाते हैं? असम का मुसलमान का पास जाओ. कोई यूपी में कुछ मदरसा गिरा है, क्यों गिरा है, क्या गिरा है, भाई यूपी का मुसलमान का इंटरव्यू लो. आपका क्यों लेता है? आप तो जानते भी नहीं. मगर आप कह रहे हैं कि जो ये आपने इलीगल मदरसे जिनको आपने कहा कि हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि इसको तोड़ दे, आप कह रहे हैं ये जो आपने जो किया वो देश हित में है, राष्ट्रहित में, क्योंकि हमारा सम्मेलन राष्ट्र सर्वोपरि है. देखिए, इससे राष्ट्रहित का कोई काम नहीं हो सकता है. लोगों को आप बताओ कि देखो आपका मद्रासा में ये हो रहा है, टेन पीपल हैज टू कन्विंस कि हाँ ये हो रहा है. फॉर दैट माई पुलिस हैज टू वर्क विद द पीपल. वी हैव टू फर्स्ट कन्विंस देम. कन्विंस होने का बाद हम लोग बात करते हैं आगे रास्ता क्या है. तो लोग बोलते हैं नहीं, आगे अगर सरकार एक अच्छा स्कूल देता है तो हमारा बच्चा को हम मद्रासा नहीं भेजता हूं. तब पुलिस हमको फोन करेगा कि सर आर यू रेडी टू गिव ए स्कूल. आई से ठीक है मैं दे देता हूं. देन दे गो एंड डिमोलिश. दिस इज एज ए वी टूक मुस्लिम पीपल एज ए पार्टनर इन आवर एक्शन. हमारा कोई कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं है. नो बॉडी शुड थिंक अबाउट दैट. और वो मोदी जी का मॉडल है ही नहीं. यू वर्क विद द कम्युनिटी और कम्युनिटी ही आपको सपोर्ट करेगा. मैं समझ रहा हूं आपकी बात हिमंतोदा. मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ रूट टू एन एंड. पॉलिटिक्स एंड नहीं हो सकती. सत्ता पाना देश के लिए कुछ करने के प्रयत्न में एक स्टेप है, मैं ऐसे मानता हूं. कई लोग इस देश में हैं जो और कई दशकों से हैं जो जिनके लिए सत्ता पाना ही एक एंड है. और ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता पाने के बाद जानते नहीं अब सत्ता के साथ क्या करें जब तक अगला चुनाव ना हो. ऐसा भी हम देख चुके हैं. तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका अप्रोच क्या है. क्योंकि देखिए, मानना पड़ेगा कि आपको सत्ता पाने का एक कोई एक ट्रिक है जो आपको पता है. अब उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि आप बहुत यूनिक किस्म के पॉलिटिशियन हैं जो सबको लेके चलते हैं. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप ममता बनर्जी को भी मना लेते हैं कि आपके पार्टी के खिलाफ वोट ना करें. आप पार्टियों को तोड़ते हैं, अपने राजनीतिक ओपोनेंट्स को गाड़ी में बिठा के असेंबली में ले जाके आपके लिए वोट करवाते हैं. आप जैसे बहुत कम पॉलिटिशियंस होंगे जो ये सब इतने क्वालिटीज हैं. मगर आपका अप्रोच क्या है और असम के लिए और देश के लिए? देखिए, आपकी थिंकिंग क्या है? व्हाट इज योर विजन? अर्नब, आपका और मेरा व्यू सेम है. असम देश का अंदर असम एक बहुत बड़ा स्टेट होते हुए उभरे और हमारा देश वर्ल्ड में सबसे बड़ा होके उभरे. और इससे आगे और क्या आइडियोलॉजी है? राइट लेफ्ट सेंटर वो तो मेरा दिमाग में नहीं आता है. मैं जानता हूँ एज ए मिनिमम कि असम शुड बी इन द टॉप 5 स्टेट ऑफ द इंडिया एंड इंडिया शुड बी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट माइटीएस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड. इतना ही फिलोसॉफी है. आगे राइट लेफ्ट सेंटर वो तो मेरा दिमाग में आते नहीं. तो उसके तरफ प्रयत्न किस दिशा में आप कर रहे हैं? काम हो रहा है. नहीं, जैसे असम की बात करें तो मैं गुवाहाटी से हूँ. भोरलोमुख में हमारे दादाजी का घर था, आपको याद है, जो अभी GS रोड है. और वहाँ पे हम खड़े होते थे. जब मैं 10 साल का था मैं खड़ा होता था वहाँ पे अपने घर के बैल्कनी में और सामने से प्रोसेशंस होते थे. मैं 6-7 साल का था, कहा जाता था अहोया उलाया, यू नो देर यूज टू बी स्टूडेंट एजिटेशन. और उसमें एक सेंस ऑफ एलिनेशन की बात होती थी कि असम को इग्नोर किया गया है, असम को तेल की रॉयल्टी नहीं मिलती है. एक तरह से जो पॉलिटिक्स वहां पे बनी थी वो थी ऑफ एलिनेशन. तो पिछले लोग जानना चाहेंगे, आज अगर कोई गुवाहाटी में जाए तो लगता है कि बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है और जिस तेजी रफ्तार से हो रही है, आप गुवाहाटी से शिलोंग जाए 2 घंटे में पहुंच जाते हैं. तो मैं जानना चाहता हूं अप्रोच क्या बदली है 30 सालों में और इससे हम क्या, मतलब क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम. नहीं, आप बिल्कुल खुलकर बोले. पहला बात, नॉर्थ ईस्ट
एक बहुत बड़ा सेंस का और अभी जा रहा है। आप भी उत्तर पूर्व से है, सब आप जानते हो। नॉर्थ ईस्ट का कोई सारे स्टेट में ब्रॉडगेज भी नहीं था, ब्रॉडगेज नहीं था, रेल का एक ही लाइन था जी, आने का जाने का एक ही लाइन। सो जो डिस्टेंस 24 आवर्स लगते थे वो 48 घंटा लगता था मीटर गेज में, कहीं में मीटर गेज में एक ही ट्रैक है आने का भी, वो आने का भी जो जंक्शन में ट्रेन खड़ा रहता था सिंगल। कोई स्टेट में एयरपोर्ट नहीं था जी। आज आप अगरतला का एयरपोर्ट जाइए, इट इज मच बेटर देन लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, अब मैं गारंटी का साथ बोल, योगी जी पसंद नहीं करेंगे इस बात को, अब आज इट इज बेटर देन। और योगी जी का एयरपोर्ट और आगे बढ़ेगा समय में, बट एज ऑफ टूडे अगरतला एयरपोर्ट इज मच बेटर देन लखनऊ एयरपोर्ट एज ऑफ टूडे। तावांग तक जाने का अभी रेल लाइन बसना शुरू हो गया। नेक्स्ट मंथ पीएम इज प्रोबेबली गोइंग टू इनोग्रेट एयरपोर्ट इन ईटानगर। तो नॉर्थ ईस्ट इज अंडर ट्रिमेंडस सेंस इन 2014। कमिंग बैक टू आसाम, आप कल्पना कर सकते हैं आसाम जैसा स्टेट में 24 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, 26 मेडिकल कॉलेज का काम अपार्ट फ्रॉम एम्स। टुडे आसाम जीडीपी बिकम नंबर 17 इन द कंट्री एंड वी आर जस्ट इन ए क्लोज कंपटीशन विद पंजाब, कंपीटिंग विद पंजाब इन जीडीपी। मेरा जीडीपी 5 लाख करोड़ का है, पंजाब का जीडीपी 5 लाख 50। वी बीट चंडीगढ़ लास्ट ईयर। सो ये एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अभी आसाम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन, हमारा ये लास्ट 2-3 साल में वी निगोशिएटेड ओवर 1 लाख करोड़। अभी आसाम का हर साल हम लोग 14-15% वी आर ग्रोइंग इफ यू माइनस दैट कोविड पीरियड। जब देश भर में ऑक्सीजन नहीं हुआ, दिल्ली ऑक्सीजन के लिए मांगा लोगों से, ऑक्सीजन दो हमको, वी नीड ऑक्सीजन, बट आसाम प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजन टू द नेबरिंग स्टेट ऑफ आसाम, टू ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट। हमने किसी से ऑक्सीजन नहीं मांगा एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जी। तो एक आसाम का अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है पोस्ट 2014। और मैं आपको ये बोल सकता हूं 10 साल अगर ये मुहिम चले, आसाम विल बी विद इन द नेक्स्ट 1-12 इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बहुत अच्छा, अभी एजिटेशन आसाम में नहीं होता है, एक एक करके सारे उग्रवादी गुट का साथ समस्या समाधान हो गया। यू नो डिस्टर्ब एरिया एक्ट, अभी आसाम में 70% एक्ट एरिया से डिस्टर्ब एरिया एक्ट हैज बीन विथड्रॉन। ऑल कम्युनिटी आर नाउ, दे आर नो लॉन्गर ऑन एजिटेशन, नो लॉन्गर आहोया, पीपल से गो टू द स्कूल। अभी हमने एक छोटा एक थोड़ा अपील किया था कि स्कूल में सीलिंग फैन का जरूरत है, सरकार खरीद सकता है क्या, लोग दे सकता है। मैंने ऐसे एक ट्विटर में डाला, 14,000 फैन हैज पीपल हैज कंट्रीब्यूटेड इन जस्ट 3 डेज ऑफ टाइम। अमेजिंग, ऐसे जैसे एक डाल दिया था। मैंने लोगों को बोला देखो बिहू हमारा लाइफ लाइन है, कोई डोनेशन मत लेना। लोग डोनेशन लेना बंद कर दिया। फिर मैंने हमारा आसाम का मारवाड़ी समाज को बोला कि बिहू का दिन घर में पिठा लारू खाइए, बिहू का दिन वो वाला आपका नॉर्थ इंडियन वाला डिशेज नहीं, नेक्स्ट रात खाइए, लेकिन सुबह लारू पिठा खाइए। वो लोग एक कदम आगे जाके हर मारवाड़ी समाज ने बिहू करना शुरू कर दिया कि विल सेलिब्रेट बिहू लाइक एनी अदर असमीज पीपल। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो रहा है आसाम में। और मैं आसाम और नॉर्थ ईस्ट का बारे में ये बोल सकता हूँ कि इट इज नो लॉन्गर, गिव अस अनदर 5 ईयर्स, विल नो लॉन्गर कम विथ एनी काइंड ऑफ बेगिंग बाउल, विल स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मगर 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 क्या एक मॉडल बन सकता है देश के लिए? क्योंकि मैं मेरा सवाल यह है, जब आप कह रहे थे ना सारी बातें, तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह से उग्रवाद की बात होती थी, एलियनेशन की बात होती थी, और हर असामी युवक को कहा जाता था कि भारत से आप अलग हैं और आपको अलग रखा गया है, वो उसी वही बात होती थी। ना, मैं लास्ट 3 दिन का बात बता जी, बताइए। एक पंजाब सरकार ऐड डाल रहा है कि हम लोग 20,000 युवक को नौकरी देने जा रहा हूं या दिया है, गुड वर्क, आई डोंट हैव एनी वर्क। बट कैन यू इमेजिन,
असम गवर्नमेंट ये साल में विल कंप्लीट गिविंग जॉब 1 लाख एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, 1 लाख बच्चा को नौकरी मिल रहा है इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड इन गवर्नमेंट में ही। जब वैकेंसी था मैंने 1 साल में सारा कंप्लीट कर दिया कि चलो सब लोग, अभी असम पुलिस इज ए फोर्स, 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है असम पुलिस में, सारे फिलअप कर दिया। लेकिन हम टीवी में नहीं आता वो एडवर्टाइज लेके, वो एक अलग बात है। लेकिन किस पर इशारा कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैंने बताया ना, 20 पंजाब के बारे में बोल रहे थे। नहीं नहीं, 20,000 में एडवर्टाइज चल रहा है, मैं 1 लाख में एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज माई टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ इज 12 लाख। जब तक 12 लाख को कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट हैव राइट टू कम टू द टीवी। एडवर्टाइज लगाना मेरा मॉरल कारेज नहीं है, मॉरल राइट्स नहीं है। बट हम लोग भी असम में जो आज मैं सारे एडवर्टाइज सारे स्टेट का देखते रहता हूँ, और वो देखने का बाद मेरा बहुत प्रसन्न होता है कि असम इज इन मच स्पीडियर इन देन इन कंपैरिजन टू मेनी अदर। तो एक बात बताइए, आप कितने सालों से राजनीति में हैं? मैंने 22 साल हो गया। 22 साल से राजनीति में? 22 साल से मैं एमएलए हूँ। एमएलए हैं, उसके पहले कितने सालों से आप राजनीति में? उसका पहले तो मेरा उम्र ही 27 साल का था, उसका पहले मैं कॉलेज में था, जो भी था। तो चलिए 22 साल से आप एमएलए हैं, और बीजेपी में कितने दिन हो गए आपको? 2015। तो अभी 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। तो ये 22 सालों में 15 साल आप कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और पिछले 7 सालों से आप बीजेपी में हैं, पिछले 1.5-2 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल मेरा ये है आपसे हेमंत जी, कि अप्रोच अलग क्या लग रहा है आपको? जो असम में जो चेंजेस हुई हैं वो पिछले 2-3-4 सालों में ज़्यादा हुई हैं, तो एक्सपीरियंस क्या है, गवर्नेंस मॉडल देखिए क्या है, क्योंकि व्यक्ति तो वही है ना, आप एज अ पर्सन यू हैव नॉट चेंज्ड। तो और दूसरी बात, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो बिल्कुल टेरर था हर मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कहा जाता था कि अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करे तो हेमंत बिस्वा सरमा उनको पकड़ेंगे, ये रात के 9 बजे 10 बजे 12 बजे इंस्पेक्शन करते थे, और शायद आजकल भी करते हैं। तो अपने मंत्रालय में तो आप काम कर रहे थे, मगर अप्रोच अलग क्या है इस बार? देखिए, डू यू हैव अ मोर फ्री हैंड, क्या आप ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी, क्या अप्रोच, क्या आपको ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है, व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सेंस क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल है, टूरिज्म का डिस्ट्रिक्ट कौन से हो, माइंस मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो, आज भी देश का जो भी पेट्रोलियम आप निकालते हैं उससे असम का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टी में भी हम सबसे ज़्यादा टी असम ही बनाता है। पोटेंशियल था, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट को एक हीलिंग टच का जरूरी था। अभी जब प्रधानमंत्री जी हमारा जो हम गामोसा बोलते हैं, जब उसको लेके कोई दूसरा स्टेट में जाते हैं तो पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फील कि भाई Somebody is taking care of our emotion. अभी आपको मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा। थोड़ा दिन पहले मैं बोमाई जी को मिला, बोमाई जी मुझको पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला क्यों आपने ये पूछा जी? बोले नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी आया था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मेरा साथ बैठे रहा और मुझको पूछने लगा कि नॉर्थ ईस्ट का कितना बच्चा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते है। अच्छा, नाउ दिस इज PM हैज नॉट टोल्ड मी जी, इट इज टोल्ड बाई चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं पूछा गुजरात का कितना बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो एक चेंज हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आप कोई आपको लक्ष्मी देना जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है, आपका ये पोटेंशियल है, यू आर न्यू इंजिन ऑफ ग्रोथ, आप देश का अस्त लक्ष्मी है, तो दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट वॉज नेवर डेयर फॉर द पीपुल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कभी मालूम ही नहीं था कि भाई नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा आके, कोई पॉलिटिशियन आके दिल्ली में भाषण देने का मौका भी मिलेगा। अभी बीजेपी का ही बात बोलो, देश का ही बात बोलो, हर नॉर्थ ईस्ट का मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिलता है। अगर हम 200 बोल भी लेता हूँ, 3 काम भी साथ में हो जाते हैं। तो ये पोस्ट 2014 देयर वाज ए, आई मीन मेरा भाषा में, बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, बहुत अच्छा हीलिंग टच हुआ, और आज आप धीरे धीरे देखो कोई बम ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई फायरिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई एजिटेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है।
अभी मैं यहाँ के मुस्को रिपोर्टर पूछता है व्हाट अबाउट सीए, असम में कोई नहीं पूछता व्हाट अबाउट सीए, सीए के बारे में हम दिमाग में भी नहीं लाता, सीए के बारे में बात नहीं हुई असम में, नहीं हम उसका विषय में भी बात कर असम में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ये मैं भी आऊंगा, मैं ये कॉन्टेक्स्ट करना चाहता हूँ कि नाउ पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर मोर इन्वॉल्व विद डेवलपमेंट, दे आर मोर इन्वॉल्व विद देयर कल्चर ट्रेडिशन, और देश में हमारा पहचान बनाने वाला है, बनाना चाहिए। अभी मणिपुर का लड़की गेटिंग गोल्ड इन ओलंपिक, मेरा बच्ची आज असम का बच्ची जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल में मिल रहा है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिल रहा है, सो दिस इज ए न्यू इरा फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक नया उभर के आते हैं, एक नया टाइम है फॉर द। हेमंत दा, मेरा सवाल आपसे, आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि जो जितनी ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुई है भारत में वो असम में हुई है, असम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज अगर मैं अपने गांव में जाऊं, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, मेरा गांव आप जानते हैं पोल्ला खोत्रो बोरपेटा नौलपारी के बीच में होट्ठेबरी, वहां पे मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि वहां पे असामी बोलने वाले लोग कम हैं, कम हैं। और आपको मैंने व्यक्तिगत तौर पे कई दिन पहले कहा था कि एक स्कूल की जो जमीन थी वहां पे, उस पर भी जितने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो उन्होंने कब्जा करके रखा था। तो मुझे लगा कि बांग्लादेश से अगर लोगों को खुली खुला दरवाजा दिया जाए, और असम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए सीए के साथ कि आप हिंदू बांग्लादेशियों को आने के लिए कह रहे हैं, तो एक तरह से दरवाजा खोल रहे हैं, कोई कल अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को चेंज करके भी एंटर कर सकते हैं। तो सवाल मेरा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को सीएए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखिए अर्णब, मैं ये दिल से मानता हूं कि वर्ल्ड में, विश्व में, जहां में भी हिंदू है, भारत उनका देश है, भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? आप हिंदू क्यों कह रहे हैं आप, बांग्लादेशी सिटीजन? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर विश्व में हिंदू का समस्या होता है, हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदू कहाँ जाएगा? अगर हाँ, हिंदू भी ऐसा हो सकता था कि हिंदू इज अ स्टेट रिलीजन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर आज पाकिस्तान में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है जी, अगर मान लीजिए आई नॉट नेम द कंट्री एक्स वाई जेड में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है, उनका मन में एक ही बात आता है, भाई कम से कम भारत में कौन है टेलीफोन करो, भारत का मीडिया को बोलो, भारत को बोलो कि भारत आपका जननी है, कोई लोग बांग्लादेशी नहीं बना, कोई हिंदू बांग्लादेश में रहने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, कोई हिंदू को कांग्रेस ने पूछा था क्या कि देश का पार्टीशन होगा आप लोग कहां रहना चाहते हैं? दिस पार्टीशन वॉज डन यूनिटरीली बाय कांग्रेस, हिंदू का रेफरेंडम से तो पार्टीशन नहीं हुआ था, कोई हिंदू को मालूम ही नहीं था सुबह तक कि हम पाकिस्तान में आया कि हिंदू में था, एक ही साथ तिरंगा लेके मूवमेंट किया, फिर देख दे पटाशाला की नेहरू और रेडक्लिफ का बीच में समझौता हो गया, हम पाकिस्तानी बन गया। इट वॉज दे वे नॉट पाकिस्तानी बाई चॉइस, दे वेर पाकिस्तानी बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल मेन्यूवरिंग दैट हैज हैपेंड इन दिल्ली एंड विद इन द कांग्रेस। सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, यू कैनॉट टर्म देम एज ए पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी, दे आर हिंदू, दे आर प्राउड हिंदू, दे आर इंडियन। हाँ, असम का समस्या है, वो भारत में समाधान होगा, कोई असम में मेरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ हिंदू, दैट माई आई एंड दिल्ली कैन सिट डाउन, वी कैन टेकन केयर ऑफ। बट आप कभी हिंदू को बांग्लादेशी पाकिस्तानी मत बोलिए, हर हिंदू भारतीय है। नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता है जिनके साथ ममता बनर्जी बैठ के चाय पे चर्चा करती है, और वो है हिमंत बिस्व शर्मा। रहस्यमय मीटिंग हुई थी दोनों के बीच में वाइस प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले दार्जिलिंग में। आप यही बात जो आपने सीए के बारे में कही, वो बात आप ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? आपने कभी उनको बताया क्यों नहीं? ये नहीं, आप बताइए इसको, क्या आपने कभी बात की?
थोड़ी तो अंदर की खबर हमको बताइए, कोई तो ब्रेकिंग न्यूज दीजिए हेमंत जी। अर्णब जी मैं कोई नहीं, आपकी मीटिंग हुई थी बारे में, मैं वो मीटिंग का बारे में भी आप पूछेगा मैं बताऊंगा, बट कमिंग ऑन सीए, कांग्रेस कैन नॉट एक्सेप्ट सीए बिकॉज इसमें एडमिशन हो जाता है कि पार्टीशन में हम लोग गलती किया था। अगर कांग्रेस बोलता है, कांग्रेस वांट्स टू से हिंदू एज ए पाकिस्तानी एज ए बांग्लादेशी। मैं आपको आसाम का बारे में बताता हूं, सीतागंग हिल ट्रैक में बुद्धिस्ट लोग रहता था, ऑन द डे ऑफ फ्रीडम दे ब्लास्ट क्रैकर्स कि हम लोग भारत में आ गया। सुबह 7 दिन दे होस्ते तिरंगा, 7-8 दिन का बाद वो लोग को मालूम पड़ा कि भाई नहीं, वी हैव बीन पुट इन पाकिस्तान। तो दो लोग लकीर खींच देगा, ये भारत और पाकिस्तान है, और हिंदू बन गया पाकिस्तानी, वो कभी नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। आप हिंदू का साथ अन्याय मत कीजिए, हम नहीं बोला हूं कि मुसलमान का साथ अन्याय कीजिए, मैं वो भी नहीं बोलता हूं। अगर मुसलमान का भी कहीं तकलीफ है, भारत जैसे हो सकता है उनको मदद करे और कर ही रहा है, मेरा उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हिंदू इधर ही आएगा, और हिंदू का कोई एड्रेस नहीं है पूरा विश्व में। और टू दैट एक्सटेंट हिंदूज ऑफ इंडिया हैज टू एडमिट द फैक्ट कि हम भी जैसे 1947 का प्रायर में फ्रीडम मूवमेंट किया था, हम भी जैसे गांधी का फोटो दिल में लगाते हुए आंदोलन किया था, वो लोग भी सेम किया था, गांधी जी का फोटो दिल में लगाते हुए दे हैव ऑल्सो डन द सेम फ्रीडम मूवमेंट। हो सकता था उस समय, मैं नहीं जानता उस समय टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, बट नेहरू जी को सारे हिंदू को उस समय ही भारत में लेके आना चाहिए था। द मोमेंट जिन्ना डिक्लेयर दैट पाकिस्तान विल बी इस्लामिक कंट्री, बस हो गया, आप तो रह नहीं सकते हो, आपको लेके आना चाहिए था उसी समय, आप नहीं ले आए। क्या सिचुएशन था, क्या था, मेरा पता नहीं है, लेकिन दिस सीए इज ए लॉन्ग, ये इट इज ए जस्टिस ऑफ द लॉन्ग पेंडिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिंदूज इन द इन आवर सब कॉन्टिनेंट। वन थिंग आई मस्ट से, कि आप बिल्कुल क्लियर है अपने थिंकिंग में, आप कोई इसमें कोई एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है। और मैं ये भी सोच रहा था कि जब आपकी बात मैं सुन रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि हेमंत दा 2019 के फरवरी के 2 तारीख को हमने रिपब्लिक भारत का उद्घाटन किया था, हमने लॉन्च की थी, और उसके चंद महीने बाद सरजील इमाम थे कि अभिषेक कौन थे जिन्होंने कहा था कि चिकन्स ने कहा, सरजील इमाम थे ना, हाँ प्रीति, सरजील इमाम ने कहा था कि भाई लोगों को इकट्ठा करो, ये 20-30 किलोमीटर का लाइन है, चिकन्स नेक है, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो भारत का पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। और आज इनकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि देश को हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों की क्यों जरूरत है, मैं खुलकर कह रहा हूं, आई फील वेरी प्राउड अबाउट योर थिंकिंग, बहुत जरूरत है। डू यू ऑल्सो कंसिडर दैट टू बी अ थ्रेट? We talk about the geostrategic threats to this country. सबसे बड़ी geostrategic threat ये हुई है, the threat of a geography that you cannot change. हम हमारे neighboring country का नाम नहीं बदल सकते, उसका अस्तित्व, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते, मगर क्या हम उन लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं जो देश में रहते हुए अपने आप को, जिनको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भारत में रहते हुए भारत की अखंडता के तरफ इस तरह से इशारा करते हैं, इस तरह से बात करते हैं? हेमंत दा नहीं, अभी हमारा देश का दुर्भाग्य यही है कि आप जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है, अही अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे आप मैं नाम नहीं लूंगा, जी लोग जो आपका चैनल में उस समय जिसका ऊपर सीना ठुक के बोलता था कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहिए, वही लोग आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, जैसे मेरा मन में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर राहुल गांधी जी कभी समाज जोड़ो यात्रा करते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, समाज जोड़ो, समाज में है आज भी अपर क्लास है, लोअर क्लास है, कास्ट सिस्टम है, आप समाज जोड़ो, लेकिन आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों करेगा? आपका नाना देश को तोड़ा, उनके नाना क्या बोलता है हिंदी में पता नहीं, हम तो नाना ही बोल दूंगा, ग्रैंडफादर देश को तोड़ा, और अच्छा हाँ जो भी आपने रेड क्लिफ का साथ मिल के लाइन खींचा, और अभी राहुल जी बोल रहे
मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। अरे तमिलनाडु का लोग कब बोला था हम भारत तोड़ना चाहता हूं? केरला का लोग कब बोला था कि वी नॉट वांट टू बी इन इंडिया? तो आप भारत जोड़ो यात्रा करके आप केरला तमिलनाडु का लोगों को अपमानित कर रहा है कि यहां में कुछ प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज अ प्राउड इंडियन। तो इसका क्या है, ये लोग एक बहुत बड़ा लॉबी भारत का खिलाफ काम कर रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो बाकी जो भी है, दे वांट्स टू वीकनिंग इंडिया। अभी देश में क्या लग रहा है, विदेश में लग रहा है कि भारत कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। जी जी। अरे भाई, वैसे जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आप कह रहे हैं उनके बातों को सुनकर कभी शर्म आती है कि, और जो विदेश में जाके बातें करते हैं इस तरह के, तो हमें तो मतलब नहीं। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, भारत तो राष्ट्र ही नहीं है। और मुझे शर्म है क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में मैं फेलोशिप पे गया था और उनको बताना पड़ा है कि भारतीय, आपने वीडियो देखा है वो, जब भारतीय एक ब्यूरोक्रेट ने आके उनको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, चाणक्य के समय से भारत जनपदों का राष्ट्र है। मगर राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता है और वो कहते हैं कि, वो इनकार करते हैं इस बात से कि इंडिया एज अ नेशन, ही डज नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन। आप देखिए, तो अगर देश का इतना बड़ा राजनेता सीना ठोक के बोलता है कि भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जी, और वो यूनियन का ऊपर, ये क्या कोई स्टूडेंट्स यूनियन है भारत, कोई श्रमिक यूनियन है भारत? वो ऐसे भारत का एक लेवल बना दिया जैसे दो क्लब मिलके एक यूनियन बना दिया, तीन व्यक्ति मिलके एक यूनियन बना दिया। एक्सीडेंटल है कि सोच है इसके पीछे? नहीं, मेरा लगता है दिस कांग्रेस पार्टी हैज बीन हाईजेक बाय द सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल, और यही लोग वो लोग को सलाह रहा है। मुझे लगता है कि देसी नेशनलिज्म इज अ थ्रेट, उनको राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनको राष्ट्रवाद के साथ, क्योंकि उनको लगता है जितनी राष्ट्रवाद बनेगी उतनी उनकी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो कम हो जाएगी। नहीं, मेरा ये लगा, वो बोला आप क्यों भारत माता की जय बोलता है। फिर मैं इसमें मेरा याद हुआ कि जब 2001 में भी मैं नेशनल फ्लैग होस्ट करने जाता था, आफ्टर द फ्लैग होस्टिंग हमेशा सिक्योरिटी फोर्स टूपी हाथ में लेके बोलता है भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलने में आपको क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी आप क्वेश्चन लगाएगा। अभी आप बोलेगा भाई आप लोग ये क्यों आप भारत को राष्ट्र बोलता है, भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। अरे ये सब डिबेट है क्या आजकल? 75 years का बाद इंडिया हैज नॉट बीइंग ए नेशन, 5000 years का सिविलाइजेशन का बाद भी भारत राष्ट्र नहीं बना। तो ये सोच लेके जब लोग भारत जोड़ो यात्रा करता है तब हमारा जैसा लोग और कोई लोगों का मन में गुस्सा आते हैं। तो ये बोलना एकदम, आपको यही मान के चलो कि अगर आपको भारत जोड़ना है, कल जाओ महात्मा गांधी जी का समाधि में जाके बोलो कि जवाहरलाल नेहरू जो भूल करके गया है इसके लिए आप माफी दीजिए पहले। तो इसका बाद जितना भारत को जोड़ना है जोड़ो। वैसे आप जितना बोल रहे हैं हिंदी आपकी साफ होती जा रही है। नहीं नहीं, है ना? नहीं नहीं, आप, और एक सवाल है, हिंदी दिवस में आप अमित शाह जी के साथ थे, खुलकर हिंदी में बात कर रहे हैं, और पहले बोला जाता था कि हिंदी को थोपा जा रहा है पूर्वोत्तर पर, दक्षिण भारत पर। तो देश को तोड़ने के अलग अलग तरकीब होते हैं लोगों के, तो उस पर आपका क्या कहना है? हिंदी दिवस पर विवाद हुआ मगर आप हिंदी दिवस के सबसे बड़े समर्थक हैं, सबसे बड़े सपोर्टर हैं और पूर्वोत्तर में भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? जैसे बाय द वे आजकल एसएमईज में जो अहोमिया में स्पीच देने वाले ये सबसे प्रभावशाली, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है एसएमईज में, तो क्या आपको लगता है कि आप जब हिंदी बोलते हैं क्या आसाम के लोग आपको कहेंगे कि बोलने की जरूरत क्या है, क्या हम अपने आइडेंटिटी को लूज करेंगे, उस पर जरा आप कुछ कहेंगे? दक्षिण भारत में कई लोगों ने इस बात को, एक बात आप सोच के रखिए कि नोबडी इज ट्राइंग टू इम्पोज हिंदी, बट देश को एक भाषा की जरूरत है कि नहीं, कि तमिल और असमिया जब बात करेगा, यूपी और असमिया लोग जब बात करेगा, तो असमिया और जब महाराष्ट्र का लोग बात करेगा जी, तो व्हाट इज माय लैंग्वेज, व्हाट शुड इट बी? एक लैंग्वेज को इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा। नाउ लोगों को ये मन में नहीं लगना चाहिए कि भाई वी आर इम्पोजिंग, वी ऑलवेज से कि असमिया, तमिल, उड़िया, ऑल दिस लैंग्वेज शुड प्रॉस्पर।
उसमें कोई नहीं कंप्रोमाइज हो सकता है। हमारा मातृभाषा का बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए, उदय होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आप और हमको तो आज यू एंड मी बोथ आर असामिया, वी कैन स्पीक इन असामीज, लेकिन अनुपम खेर जी का बात जब मिल जाता अनुपम खेर जी को, मैं कौन सा भाषा में बात करो इनसे? तो आप बोल दे सकता है भाई इंग्लिश में क्यों नहीं करते, तो मुझको इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना पड़ेगा ना। हिंदी तो मैं ऑर्गेनिकली सीख जाऊंगा टूटा फूटा, किसलिए ये देश का भाषा है। अच्छा, तो मैं तो इंग्लिश के लिए फिर मुझको इंग्लिश स्कूल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए देयर इज अ ग्रेट मेरिट इन पॉपुलराइजिंग हिंदी, स्पोकन हिंदी लोगों को सिखाना चाहिए। और मेरा लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होता है। आज आप देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, those has become big industrial hub. आसाम का लड़का यहाँ आके अगर मैं fluently बात नहीं कर सकता हूँ, I'll not get a job. The kind of situation you have faced. Yes. जो मन में doubt है, आसाम का लड़का कहाँ हिंदी बोल सकता है? लेकिन अगर लोगों का ये मालूम हो जाता था कि आसामिया लोग तो बहुत ही गर्व से आसामिया भी बोलता है और आसाम का लोग हिंदी भी जानते हैं, that question would not have been asked to you. तो मेरा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी लिमिटेड हो रहा है बिकॉज वी डोंट नो हिंदी। अभी अरुणाचल प्रदेश हैज अडॉप्टेड हिंदी एज देयर मीडिया बम इंस्ट्रक्शन, और आज अरुणाचल का लोग यहाँ आके जैसे बात करता है हिंदी में, आई फील गुड एंड लिटिल आई फील जेलस ऑल्सो कि मैं नहीं बोल सकता इतना साफ हिंदी। बट हैविंग सेड दैट, गुजरात में गुजराती, आसाम में आसामिया, मदर लैंग्वेज और जो मेरा मातृभाषा है वो मेरा वंदनीय है, मेरा पूज्य है, वो तो है ही, उसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, बट हिंदी कैन यूनाइट इंडिया। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल वैसे इनके बारे में, और एक मैं आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग अबाउट हिम। ये मैं किसी से मिला था, गुवाहाटी गया था 3 हफ्ते पहले, तो बोला कि हिमंत बिस्व शर्मा को आप मिले, तो मैंने बोला नहीं मिले। बोले इनको मिलना है तो रात के 12 बजे 1 बजे ऐसे क्या करते? बोले कि ये देखिए 10 बजे डिनर करते हैं, 11:30 बजे बैडमिंटन खेलने जाते हैं, फिर मीटिंग शुरू करते हैं। तो ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आप मीटिंग्स 2 बजे तक करते हैं और सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि अब आपको पॉलिटिकल विजर्ड माना जा रहा है देश में, जो असंभव है। नहीं नहीं, आप इनकार मत कीजिए, आप ममता बनर्जी से भी बात करते हैं, आप गोवा में भी किसी के पार्टी को तोड़ देते हैं, आप किसी को तोड़ के ले आ जाते हैं, आपके खिलाफ जो लोग हैं AUDF वाले असम में वो भी आपके साथ वोट कर लेते हैं। एक कहानी है कि आप एक दिन मिसिंग हो गए थे 12 घंटे के लिए किसी वोट के पहले, और अगले दिन हिमंत बिस्व शर्मा है किसी को पता नहीं था, तो अगले दिन गाड़ी आई, गाड़ी में वो सारे ऑपोजिशन को बिठा के और उनके साथ सारे लोगों को लेके वोट करा के वोट जीत के आ गए। तो ये आप में ये किस कौन सी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है कि आप सबको ले भी जाते हैं, सबको तोड़ भी देते हैं? कुछ तो ये स्किल कहाँ से मिली आपको? आप इसको देखिए, इनकार मत कीजिए, ये आप कर चुके हैं। नहीं, आपको मैं यही बताता हूँ, मेरा अभी जो मैं ये अपना एक कन्विक्शन मानता हूँ, अभी अभी साधु जी ने पूछा अगले कौन सरकार तोड़ रहा है, सारा कांग्रेस का सरकार तोड़ जाना चाहिए, सारे कांग्रेस का सरकार देश से तोड़ जाना चाहिए। नो कांग्रेस गवर्नमेंट शुड एग्जिस्ट इन इंडिया, ये देश के लिए सेवा है। अभी जो कांग्रेस पार्टी जो है, आप देखिए क्या हुआ, राहुल गांधी आपसे इतने चिढ़ते क्यों हैं? उनकी नहीं, और आपकी उम्र करीब करीब सेम है, और कहा जाता है कि कांग्रेस के पिछले 70 सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़े लॉस हिमंत बिस्व शर्मा है। उन्होंने आपको जाने क्यों दिया? वो उनके आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको 2-3 बात करता चाहता हूं, मेरा प्रॉब्लम क्या है। देश में गांधी फैमिली कौन है आप बताइए, गांधी फैमिली कौन है? मैं तो सिर्फ वाड्रा फैमिली को जानता हूं। आप जो भी है गांधी फैमिली बोलने से आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यू विल रेफर? नहीं, मैं तो महात्मा गांधी जो भी है वही बात है। देश में गांधी फैमिली है, महात्मा गांधी, राजमोहन गांधी, तुषार गांधी, बरिया से हाईजेक करके गांधी फैमिली हो गया दूसरा फैमिली। कांग्रेस था किसका पार्टी? सुभाष चंद्र बोस का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? गांधी जी का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? बाल गंगा तिलक का पार्टी। अभी कांग्रेस क्या करता है? फैमिली विल बी अपसेट। अरे कौन सा फैमिली है यार भाई? ये सारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया,
इससे देश को बाहर निकालना है। तो जहां जहां कांग्रेस का सर का तोड़ता है, मेरा कंट्रीब्यूशन हो भी ना हो, मुझको पूछने से मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, हाँ एक तोड़ गया तो अच्छा हुआ, तोड़ दिया तो अच्छा हुआ मेरा, आई डोंट हैव एनी अपोलॉजी ऑन दैट। अभी भी अगले कौन सा स्टेट का नाम पूछा था, मैं अगर आपका पैनल में था मैं 2-3 स्टेट का नाम गिना देता था, हो ना हो अलग बात है, होने से अच्छा सा नहीं होने से भी कुछ तो टेंशन रहेगा उधर में। आप 2 दिन के बाद देखिए, मैं आपको सिंपल कुछ कुछ एक एक मेरा कहाँ प्रॉब्लम है आपने पूछा। जब कांग्रेस में लोग रहता है बढ़िया है, द डे दे रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस दे विल से इसका ऊपर सीबीआई है ईडी है। अरे बाबा, अगर तुम जानते थे उनका ऊपर सीबीआई ईडी है तब उनको तुमने पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आप क्या वॉशिंग मशीन हो? आपका साथ रहने से तो अब याद नहीं होता है कि इसका खिलाफ आपका सीबीआई है ईडी है। जो आर्गुमेंट वो बीजेपी का ऊपर देता है, बीजेपी में तो वो काल आया है, लेकिन 22 साल 20 साल तो कांग्रेस में रहा। अगर उनका ऊपर ईडी है, उनका ऊपर सीबीआई है, आप उनको पार्टी से अलग करने कर देना चाहिए था। व्हाई यू हैव मेड हिम चीफ मिनिस्टर? व्हाई यू हैव मेड हिम मिनिस्टर? आप पर भी तो एजेंसियां लगाई गई। वही प्रॉब्लम है ना, दैट टिल आई एम इन कांग्रेस देयर इज नो एजेंसी अगेंस्ट मी। अगर मैं कांग्रेस से बीजेपी जाता हूं, इसका ऊपर तो सीबीआई का केस है इसलिए आ गया, मतलब आप हमको स्लैब बना के रखना चाहते हो। मैं निकालो तो मेरा ऊपर लांछन, मैं रहूं तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। ये सब बातें जो ये लोग पार्टी को नहीं नहीं ही हैज बीन डिसलॉयल टू द फैमिली, अरे कहां लिखा है मैं फैमिली का ऊपर लॉयल रहना है? लिखा है कि भारत का संविधान का ऊपर मैं आस्था रखूंगा। कोई तो मेरा ओर्थ नहीं है कि मैं एक फैमिली का ऊपर आस्था रखूंगा। मेरा मन है, मैं नहीं हूं कांग्रेस में, हाउ इट कैन बी बिट्रेल? अगर वो बिट्रेल है तो व्हाई इंदिरा गांधी ब्रोकन द कांग्रेस एंड फॉर्म ए न्यू कांग्रेस? मतलब इंदिरा गांधी तो उससे भी बड़ा बिट्रेयर था। अगर हम बिट्रेयर है, सी हैज ब्रोकन द कांग्रेस। तो ये जो कांग्रेस लोग जो बात बोलते हैं, ये बात बोलते बोलते दे हैव डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द मासेस ऑफ द कंट्री। आप पार्टी तोड़ना बहुत बुरा बात है, अरे भाई चिदम्बरम जी आपने पार्टी नहीं तोड़ा था क्या? पार्टी तोड़ना बहुत बड़ा बात है, अरे इंदिरा गांधी मैम आपने पार्टी नहीं तोड़ा था क्या? ये गद्दार है, अरे आपने कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंट के सेल कैंडिडेट को आपने डिफीट नहीं करवाया था क्या? हिमंत बिश्व शर्मा पार्टी से निकाल आते हैं तो मैं गुनाहगार हूं, लेकिन कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंट नॉमिनी को इंदिरा गांधी हरा देता है, देन सी इज ए हीरो। तो ये बात करते 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 दे हैव टेकन दिस नेशन फॉर ग्रांटेड, और आगे नहीं हो सकता। आई एग्री, इट शुड बी नेशन फर्स्ट नॉट फैमिली फर्स्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल गिव हिम ओनली 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम। अंग्रेजी में ओरिजिनल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन, भारत के उभरते हुए पॉलिटिशियन हिमंत बिश्व शर्मा। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। थैंक यू हिमंत दादा, थैंक यू, थैंक यू। बेबाकी से अपनी बात उन्होंने रखी और सारे मसलों पर बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत बिश्व शर्मा जी। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब गोस्वामी जी और हेमंता बिश्व शर्मा जी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, और इस इन विचारों को हर एक बात, चाहे वो मुद्दा मदरसों को लेकर हो या सीएए पर हो, हर बात बेबाकी से रखी है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो चला है राष्ट्रवादी कलम का। मृदुल, ये हमने देखा है कि राष्ट्रवादी कलम, जब बात राष्ट्र की होती है जी, तो बात सर्वोपरि होती है, और फिर वो कलम में, वो एक पत्रकार की कलम में बहुत बखूबी झलकती भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बड़ी बात है। और देखिए, इसलिए तो हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, और सभी का बहुत बड़ा योगदान होता है जब राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना है, उसके निर्माण में सभी का निधि योगदान होता है। और देखिए, उद्योगों की जब बात आती है उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान हमने देखा है। इसलिए कहा गया है कि जब हम भारत की बात करते हैं, यहाँ